कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किधर? लाहौर। लाहौर से? गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आपको धूप देख के लग रहा होगा कि मॉर्निंग वाला तो कोई सीन लग नहीं रहा है, लेकिन भाई क्या करें, जब आप मिडिल ईस्ट में होते हो तो ऐसा ही सीन होता है आपके साथ। लगता मॉर्निंग है लेकिन सूरज इतनी तेज रोशनी फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। दिस इज माई फर्स्ट डे इन सऊदी अरेबिया। अभी तक ना ही मेरे पास कैश है, ना ही मेरे पास सिम कार्ड है, तो सारी चीज़ें अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करने वाला हूँ। सऊदी की जो करेंसी है उसका नाम है सऊदी रियाल, और 1 सऊदी रियाल इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 18 or 19 rupees। तो सबसे पहले मुझे एक ATM ढूंढना है जहाँ से मैं कैश विड्रॉ करूँ, और उसके बाद फिर मैं सिम कार्ड लूँगा। अजय हिंदी आता है? इधर ATM किधर होगा? आगे वीजा कार्ड चलेगा ना? हाँ सब। और STC का ऑफिस किधर होगा सऊदी टेलीकॉम का? STC का ऑफिस तुम्हारा कॉर्निश का पास। किधर? इधर कॉर्निशर सागर है ना? हाँ वही, उसका सेट बहुत था। तुम्हें बंगाली बाबू है? बांग्लादेश तुम्हें तो भलो आशे। अभी एक बंगाली दादा मिले थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया। अब भाई साहब सबसे पहला कैश विड्रो, ये गया मेरा कार्ड अंदर। अरे तो कैश निकल गया, तो नीचे 500 का नोट है, ये 50 के नोट है, ये 500 का नोट है और 100 का नोट। सबसे पहला काम हो गया, ATM से कैश विड्रो कर लिया है। मेरे पास अभी काफ़ी दिरहम पड़े हुए हैं, यूँ मान लो 70,000 दिरहम मैंने कैश विड्रो किया था दुबई में, और वो गलती से मैं चेंज कराना भूल गया और वो अभी मेरे जेब में ही पड़े हैं। जब कोई मुझे एक्सचेंज मिल जाएगा ना तो वहाँ पे उनको एक्सचेंज करा लूँगा यार। 80,000 रुपये जेब में लेके घूमना, और वो भी दूसरी करेंसी में, अगर उस कंट्री की करेंसी हो तो ठीक है यार, कि वो पैसे धीरे धीरे आपके खर्च हो जाएंगे। जब जॉर्डन में था तो 100-150 डॉलर गुम कर दिए थे मैंने, और मैं नहीं चाहता कि अब मैं इतने 80,000 रुपये के आसपास गुम करूँ। जितना जल्दी हो सके मैं इन उस करेंसी को भी एक्सचेंज करवा लूँगा, और बाकी मैं मेरे लैपटॉप के साथ डाल दूँगा। अगर मान लो कि साला लैपटॉप की सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ मैं, लैपटॉप और पासपोर्ट की, अगर वही नहीं बचे तब पैसे भी कहीं बचेंगे। फिर सिम कार्ड की दुकान ढूंढनी है, उसके बाद सिम लेने के बाद फिर मैं एकदम खुले सांड की तरह हो जाऊँगा, क्योंकि आपके पास इंटरनेट आ गया, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। और उसके बाद फिर खाना वाना, होटल शायद मैं चेंज करूँ ना करूँ, क्योंकि होटल का वाईफाई कतई रद्दी है भाई, एकदम कतई घटिया। सीखो जाएंगे? हाँ जी जाएंगे। इधर ये क्या कैमरा? हाँ जी सड़कों का? हाँ नहीं, खुद का वीडियो बनाने। कहाँ से हैं आप? खुद का वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी घूमने आए हो सऊदी? मैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में किधर? लाहौर। लाहौर से? तो रियाज भाई साहब की टैक्सी में बैठ के अब हम सीको की तरफ जा रहे हैं। अभी जब मैं इधर घूम रहा था तो भाई ने बताया कि सीको पे मुझे सिम कार्ड विम कार्ड मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा सीको पे ना। तो यहाँ कोई फाइन वाइन वाला पंगा नहीं है क्या ज़्यादा? नहीं नहीं फैन बहुत होता है। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सीको बिल्डिंग में। अच्छा किसका रहेगा, STC का ना? सब अच्छे हैं, आपको जो भी चाहिए मिलेगा। अच्छा मार्केट में तो पहुंच गया हूँ, और जो मैंने रिसर्च किया था नेट के ऊपर भी, उनके हिसाब से भी STC इज द बेस्ट। इसी दुकान उकान में जाके STC की सिम खरीदता हूँ, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सपना पड़ा हो क्या होगा क्या नहीं। भी एक दुकान में आया तो भाई मेरे पासपोर्ट वासपोर्ट को स्कैन कर रहे हैं, और उसके बाद सिम कार्ड मैं यहाँ से खरीद लूँगा। एक महीने के लिए अनलिमिटेड ले रहा हूँ मैं, और एक महीने के लिए मैं पे करने वाला हूँ 350 रियाल, लगभग 7,000 रुपये फॉर इंटरनेट। अब तक की मेरी लाइफ की सबसे महंगी सिम कार्ड होने वाली है ये। मैं इससे पहले एक दुकान में और गया था लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही थे, तो मैं फिर यहीं से खरीद लेते हैं, क्यों 10-10 जगह मुँह मारे। ब्रदर STC नेटवर्क एवरीवेयर ऑल सऊदी। तो किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपको सऊदी के अंदर सबसे बेस्ट सिम कार्ड चाहिए होगी तो भी STC के जो नेटवर्क हैं वो सऊदी में आपको हर जगह मिल जाएंगे। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को बंगाली लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, तो सऊदी के अंदर थोड़े बंगाली लोगों की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू UAE। भाई साहब सिम विम निकाल के दे रहे थे मुझे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हो गई थी, और जब भाई ने मेरा पासपोर्ट देखा तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ था। मेरे पास स्टिकर है, मेरे पास एंट्री का स्टैम्प है, लेकिन मेरे पासपोर्ट के ऊपर एक कुछ नंबर लिख के देते हैं सऊदी इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वो नंबर नहीं लिखा हुआ था। वो नंबर ना होने के कारण भाई ने मुझे बोला है कि आपको जो सिम कार्ड का ऑफिस है ना ऑफिशियल, वहाँ पे जाके सिम कार्ड लेनी पड़ेगी। तो
तो अभी यहाँ से मैं टैक्सी वैक्सी पकड़ के शायद जो एसटीसी का ऑफिस है उधर जाऊँगा, और उसके बाद देखते हैं कितना होगा। कितना दूर होगा ये? सीधा जाएगा तो आपको मिलेगा एसटीसी का ऑफिस पास में ही है क्या? कितना दूर? 1 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर तो आप चलेगा? हाँ, वो वाला भाई इधर जाएगा। एटोबिश जो, हाँ जो पास में पड़ता है, हाँ? जो सबसे पास है वहाँ से सिम लेना है मेरे को, नया सिम। आओ ये हेडोबिश है, उधर से लेगा तो अच्छा है, इधर से लेगा फायदा नहीं। अच्छा, उधर से मोबाइल हेडोबिश, हेडोबिश मतलब एसटीसी जैन मोबाइल ही तीन ही है। अच्छा, एक साथ में है, उधर से पकड़ेगा तो मुश्किल है, इधर से पकड़ेगा तो। आप किधर का? मैं इंडिया से। इंडिया से किधर? इंडिया में हरियाणा से, दिल्ली के पास। और इधर ज़्यादा है तो यूपी है। ज्यादा यूपी से गए लोग इधर? इंडिया में, इंडिया का आदमी यूपी ज्यादा है। यूपी ज्यादा है, यूपी लखनऊ। हाँ, लखनऊ का लोग मिला मुझे अभी, लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मिला है मुझे। बांग्लादेशी इंडिया का बोलता है, इंडिया का यूपी का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन रहता है, बांग्लादेशी रहता है, इंडियन रहता है, पाकिस्तानी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों बराबर ही है क्या? ज्यादा है। और दूसरा कंट्री नेपाल, श्रीलंका, फिलिपिनो है, थोड़ा कमती है, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ज्यादा है। इधर टैक्सी में मीटर वीटर नहीं होता है क्या? मीटर है। होता है क्या? होता है, लेकिन हमारा घर डेट खलास है, पुराना है, नया रहेगा, रहेगा उससे मीटर का। अच्छा, पुराना खलास हो गया और एक दो महीना चलेगा ये। सऊदी का तीसरा सबसे बड़ा शहर दमामी है ना? हाँ। सबसे बड़ा कौन सा? जेद्दा या इधर रियाद? सबसे बड़ा शहर जेद्दा, रियाद, दमामी है, तीन बड़ा शहर है। अभी एसटीसी का जो ऑफिस है वहाँ पे आ गया हूँ, और शायद यहाँ पे मुझे सिम मिल जाएगी आसानी से। एसटीसी तो बंद है अभी। बंद है? सब बंद है क्या? सब भी बंद किया आज तो। हो, आज ये नहीं, आपका आज का तो सऊदी का पूरा ऑफिस ऑफिस सब बंद है। क्यों? सऊदी का भी कौन सा डे है, लेकिन इसके लिए ऑफिस ज्यादा तो बंद है। सब ऑफिस बंद है आज। अब कल खुलेगा क्या? हाँ, अभी एक काम करो, आप लोकल से ले सकता। एक बहुत बड़ा पंगा हो गया मेरे साथ आज। कोई भी जो बड़े बड़े ऑफिस हैं या फिर एक्सचेंज हैं वो कुछ नहीं खुला हुआ है। अभी हम जो एसटीसी का ऑफिस है वहाँ पे गए थे, वो बंद पड़ा था। उसके बाद मैंने भाई साहब को बोला कि यार कोई नहीं दादा, आप कोई ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर मैं अपने करेंसी को एक्सचेंज करा लूँ। लेकिन अभी यहाँ पे आए थे वो भी बंद हो रखा है। तो अब भाई साहब ने मुझे बताया कि आज सऊदी का फ्लैग डे है। जो सारे ऑफिसेस हैं या फिर जो मोस्टली शॉप्स हैं वो बंद पड़ी हैं, मार्केट बंद पड़े हैं, और इसी कारण से मैं अब कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ। एक दुकान में जाके चाय वाय पीता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ना मैं आज मनी एक्सचेंज कर पाऊँगा, ना मैं आज सिम खरीद पाऊँगा, और मुझे लगता नहीं है कि बाकी चीज़ें भी आज हो पाएंगी। उधर सामने भाई साहब कोई खुलने में चीज़ें वीजें बेच रहे हैं, और इधर ये एक नॉर्मल स्ट्रीट है। एक दो दुकानें दिखी थी मुझे, वहाँ पे जाके पूछता हूँ कि भाई दे दो सिम कार्ड यार, क्या दिक्कत है, टूरिस्ट ही तो हूँ तुम्हारे पास। हाँ, सीधा सुबह था, कभी रहा था? हाँ 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 सिग्नल तो सिग्नल। ओके, ओ नो, क्लोज क्लोज, नो नेशनल, यस क्लोज, नेशनल डे मे बी टुमारो, कल 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 अलियम अलियम अलियम, कम कम विद चेंज इन, हाउ मेनी मनी? 4000 रियाल, 4000। हाँ, ओके ओके भाई, शुक्राना बेबी, ओके सलाम। भाई ने काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली जो मेरी सिम थी वो एक्टिवेट हो गई है। सऊदी के अंदर पंगा क्या है कि टूरिज्म यहाँ पे इतना डेवलप्ड है नहीं। ऐसी ऐसी मैं जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मुझे होटल वोटल नहीं मिलेंगे, ना हॉस्टल्स मिलेंगे, तो मुझे पंगे हो सकते हैं, और इसी कारण से फिर मुझे अनलिमिटेड सिम कार्ड लेना पड़ा। जब आप सऊदी के अंदर एंटर होते हो, इमिग्रेशन ऑफिसर आपके फिंगरप्रिंट्स लेता है, और उन फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, और वो नंबर जब आप सिम कार्ड खरीदते हो वहाँ पे दिखाना पड़ता है। नॉर्मली जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो नंबर आपके पासपोर्ट पर लिख देते हैं, नंबर मेरे पासपोर्ट पर लिखना भूल गए, और इसी कारण से मुझे जो सिम कार्ड थी वो नहीं मिल रहा था। हेलो हेलो, हाँ ब्रदर, वन ग्लास।
1 kilos? Yes. 1 kilos is ganna? Yeah, ganna, yes. ايش انت تسوي؟ تسوي اعلان؟ ولا ايش هذا؟ تورست تورست यहाँ पे गन्ने का जूस पीने आ गया हूँ 5 लीटर लगभग 90 रुपए का हाउ यू से इन अरेबिक गन्ना कसाब सुकर कसा कसाब सुकर कसाब सुकर ये अदरक डाल रहे हैं भाई साहब थोड़ी भाई साहब पूछ रहे थे कि क्या टिकटॉक बना रहे हो क्या मैंने यार भाई को क्या पता कि इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है अरब कंट्रीज के अंदर जो टिकटॉक का कंजप्शन है ना वो तगड़े लेवल पर है भाई अरब लोगों की फ़नी वीडियोस देखी होंगी किसी रेस के हिसाब से फ़नी वीडियोस देखता हूँ मैं तो उनमें अरब सबसे ऊपर है यार अरब लोगों की फ़नी वीडियोस नेक्स्ट लेवल पे होती है भाई एक तो दोस्तों के साथ इतने नेक्स्ट लेवल मजाक करते हैं गाड़ी जला देते हैं गाड़ी को टेढ़ा करके कुदाते रहते हैं इस मामले में मस्त लोग हैं ये अब चेक करना अरब फ़नी वीडियोस कपड़े जो पहनते हैं क्या बोलते हैं इसको अरब जो कपड़े पहनते हैं उनको एग्जैक्ट नाम नहीं पता लेकिन वो कपड़े पहन के जब कोई अरब डांस करेगा तो आपको कैसा लगेगा देखना मस्त वीडियोस होती हैं व्हाट्स योर नेम अम्र 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 अभी मैं अम्र भाई की दुकान में गन्ने का जूस पीने आया था शुक्रान हबीबी ओके बाय बाय अभी मैंने जो सिम कार्ड ली थी उसकी स्पीड चेक की मैंने और भाई स्पीड पता है कितनी है 1 Gbps यहाँ पे 5G काम कर रहा है इतनी स्पीड मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी एक बार होटल में पहुँच के आपको ढंग से स्पीड दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से सऊदी के अंदर इंटरनेट काम करता है नेक्स्ट लेवल स्पीड है यार नेक्स्ट लेवल तो सिम कार्ड मिल गई है गन्ने का जूस पी लिया है और अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ मेरे होटल की तरफ जो आपको पीछे दिख रहा है वो है यहाँ का बस स्टैंड सामने जो है आपको होटल्स दिख रहे हैं इन्हीं में से एक में मैं रुका हुआ हूँ शायद ये सहारी है क्या नाम भूल गया और मैं मेरे होटल का पता है क्या हुआ था कि रात को मैंने पेमेंट की थी दिरहम्स में और अभी मैं थोड़े बहुत वो एटीएम से विड्रॉ किए थे तो वो लेके आ गया हूँ और अब वो देके मेरे दिरहम वापस ले लूँगा और इनको पेमेंट कर दूँगा मैं रियाल्स में जो कल रात को भाई था ना उसको मैंने 115 दिरहम दिए थे ये 50 का है ये एक और 50 का है 10 का तो भाई ने क्या किया इन सभी को स्टेपल कर दिया ये है एक सऊदी रियाल जिसकी कीमत है 18 रुपये ये 50 ये 10 का ये 5 का 10 10 और ये है 50 का ये फिर 50 का ये 100 का अब तक मैंने जो नोट देखे हैं वो 500 100 50 10 20 का नहीं देखा है मैंने अभी तक थोड़ी देर होटल में जाके सो गया था उस टाइम थोड़ी गर्मी बढ़ रही थी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ कि आज जो सऊदी के अंदर ऑफिस हैं वो क्यों बंद हो रखे हैं इसके पीछे कारण है सऊदी आज सेलिब्रेट कर रहा है अपना पहला फाउंडेशन डे नेशनल डे सऊदी का होता है सितंबर के आसपास और आज है फाउंडेशन डे और इस डे को फाउंडेशन डे बनाने के पीछे जो MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान उनका बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है और जब से मोहम्मद बिन सलमान पावर में आए हैं सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं आप लोगों को पहले पता होगा कि आज से 3 या 4 साल पहले वीमेंस को सऊदी के अंदर कार ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी लेकिन अब वो सऊदी के अंदर कार ड्राइव कर सकती हैं और भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं अभी जो मौसम है एकदम मस्त हो रखा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है गर्मी का नाम बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ का बीच है वो बिल्कुल मेरे होटल के पास पड़ता था अभी मैं बीच की तरफ ही जा रहा हूँ भाई साहब इस जगह का नाम क्या है कॉर्निश काइंड ऑफ बीच फ्रंट मान लीजिए यू मान लीजिए आप मुंबई का मरीन ड्राइव राइट साइड में काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं आई डोंट नो अबाउट द लॉज ऑफ सऊदी इन टर्म्स ऑफ फोटोज और वीडियोस फैमिलीज हैं लेडीज हैं तो मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता एक दो दिन लग जाएंगे मुझे यूज़ टू होने में उसके बाद देखते हैं कि किस किन चीज़ों को मैं शूट कर सकता हूँ किन किन चीज़ों को नहीं कर सकता वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे पता चलेंगी आज नेशनल हॉलीडे है तो इसी चक्कर में लोग छुट्टी मनाने पिकनिक मनाने एकदम समुद्र के सामने आए हुए हैं बैठ के गप्पे उप्पे लड़ा रहे हैं सऊदी में मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे हो गए हैं 12 से 14 घंटे का जो एक्सपीरियंस है जो मैंने सोचा था कुछ चीज़ों में वैसा सही है कुछ मेरे दिमाग में एक अलग ही इमेज थी कि नहीं यार सऊदी में ऐसा होता होगा यार यहाँ पे भी लोग नॉर्मल पिकनिक बनाते हैं बीच के ऊपर आए हुए हैं नेशनल डे के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशियाँ बना रहे हैं
कुछ बंदे आके पकड़ते बोलते कि हमें शूट करा है, मैं नहीं भाई मैं मेरी वीडियो बना रहा हूँ, फिर बोलते हमें भी ले अपनी वीडियो में। शाम का टाइम हो चुका है, दिन को ख़त्म करते हैं एक अच्छे से खाने के साथ। मैं बस देख रहा हूँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, वहाँ पे अंदर घुसूँगा, खाना खाएँगे। ब्रदर यू हैव इन इंग्लिश मेनू? आई वांट चिकन विद राइस। विद राइस? यस। लाइक दिस? स्मॉल। हाफ? क्वार्टर इज इट? क्वार्टर, बिकॉज़ आई एम ऑलमोस्ट फुल। आई नीड राइस एंड you have hummus? Hummus na. No. And garlic paste? Hello sir, hayak Allah. Hello sir, main. Thank you baby. तो लगभग मिडिल ईस्ट के अंदर जो खाने का सीन है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी। ये सीन पहले मैंने ईरान में भी देखा था। अब जैसे ये बैठने के लिए जगह हो गई, सामने आपको एक पॉलीथीन बिछा देंगे और इस पॉलीथीन के ऊपर लोग खाना खाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सऊदी के अंदर है, जब मैं ईरान में गया था तो भी सेम ही सीन था। ईरान के अंदर भी लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, लेकिन ईरान और सऊदी का खाना काफ़ी डिफरेंट है। ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है यहाँ का। इसको क्या बोलते हैं, लबना? लेबन बोलते हैं अरबी में। लेबन, ठीक है दादा। ये क्या दादा? सूप। और प्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? प्याज? हाँ हाँ, मिल जाएगा। क्या चीज़ यार? और इसके अंदर ये पता नहीं यार, नूडल्स टाइप में है। इधर ये लबना, छाछ को लबना बोलते हैं यहाँ पे, साथ में सैलेड और ये अपना चटनी। अरेबिक खाना भी अच्छा है, तो अगर आप मिडिल ईस्ट में आएंगे और आप नॉनवेज के शौकीन हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हासिल नहीं होगी। इवन आप वेज वाले बंदे हो तो भी, जैसे हमस हो गई, मुतब्बल हो गई, बाबा गनूश हो गया, तो खाने की काफ़ी वैरायटीज है मिडिल ईस्ट में। सऊदी के अंदर भी जो चावल वावल खाने वाला सीन है वो सब हाथ के थ्रू ही है। लोग तो क्या करते हैं, साइड में ही डाल देते हैं खाने को, क्योंकि ये पॉलीथीन एकदम नया है, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। एकदम मस्त वाला डिनर हो गया है। और बाकी आपको पता होगा ना कि अरब्स के पास अच्छा खाना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हज़ारों सालों से अरब के और इंडिया के रिलेशंस थे। अरब वाज काइंड ऑफ मीडिएटर बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। अरब्स क्या करते थे, इंडिया से मसाले खरीदते थे और यूरोप की तरफ भेज देते थे। इसी कारण से उन्होंने वही मसाले अपने खाने के अंदर भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो दिन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनली मैं अपने होटल के रूम में आ गया हूँ। सबसे पहली बात तो ये मेरा नेटवर्क है 5G और स्पीड अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, बाहर ये स्पीड 1 Gbps तक पहुँच जाती है। दोबारा देखें बोला, अरे चल जा, 39 MB, 63, ये 1 Gbps तक पहुँच जाती है। अभी दो नेटवर्क आ रहे हैं ना, और 5G जब आप रूम के अंदर आते हो तो नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 7,000 रुपये पे कर दिए हैं अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए, लेकिन ये मैं 5G में यूज़ करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो से जो सऊदी की रियल एक्सप्लोरेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जो मेरा नेक्स्ट प्लान है मैंने डिसाइड नहीं किया, अब रात को सोने से पहले शायद डिसाइड कर लूँगा कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, दमाम में रुकूँगा या फिर दमाम से आगे जाने वाला हूँ, अगला पड़ाव क्या होने वाला है, क्या नया करूँगा क्या नहीं करूँगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। और फाइनली इस ट्रिप से मैं थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम पर रील वील और वो सारी चीज़ें करने का ट्राई कर रहा हूं, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हो।